नमस्ते। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जीकेएम के साथ आप किस तरह से क्लाउडी वेदर में और रेनी वेदर में बढ़िया बढ़िया फोटो को क्लिक कर सकते हो। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने जो है जीकेएम LMC 8.4 रिलीज 18 का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है ने, इस जीकेएम के साथ हमने ढेर सारी फोटोज को क्लिक किया है, स्पेशली लो लाइट फोटोग्राफी प्लस क्लाउडी वेदर में एंड इवन रेनी वेदर में भी हमने ढेर सारी फोटो क्लिक किया है। तो कुछ कुछ टिप्स है यहाँ पर जो हम शेयर करने चाहेंगे, जिसके साथ आप जो है काफी बढ़िया फोटो को क्लिक कर पाओगे जीकेएम के साथ। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस गूगल कैमरा का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस जीकेएम को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। एंड्रॉयड 11 से एंड्रॉयड 14 सभी एंड्रॉयड वर्जन के साथ ये जो जीकेएम का जो बिल्ड है काम कर जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर फोटो सैंपल को आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, उसके बाद जो है ट्रिप्स एंड ट्रिक्स को आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस जीकेएम के साथ कुछ इस तरह से फोटो क्लिक किया है, देख सकते हो यहाँ पर जो है बारिश होने के बाद हमने इस फोटो क्लिक किया है। फोटो के ऊपर देख सकते हो जो क्वालिटी है पर काफी बढ़िया है एंड काफी हद तक जो है कॉन्ट्रास्टी फोटो यहाँ पर देखने को मिलेगा एंड सैचुरेट इमेज देखने को मिल जाएगा। डेफिनेटली सोशल मीडिया रेडी फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगा। यहाँ पर जूम करने के बाद भी आप देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है यहाँ पर बारिश होने के बाद रेन ड्रॉप होने के बाद जो यहाँ पर क्वालिटी देखने को मिलता है एंड यहाँ पर ओवरऑल जो है फोकस भी काफ़ी बढ़िया हुआ है एंड ब्लर भी काफ़ी बढ़िया है। एंड डेफिनेटली इस जीकेएम के साथ जो काफ़ी बढ़िया फोटो क्वालिटी देखने को मिलता है, प्लस जो ऑटो वाइट बैलेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर जाएगा। देख सकते हो ये जो फोटो है डेफिनेटली सोशल मीडिया रेडी फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगा। यहाँ पर कलर शेडो के साथ भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर फोटो के ऊपर जूम करने के बाद भी बढ़िया डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर जो क्लाउडी वेदर में हमने इस फोटो क्लिक किया है, इस फोटो के ऊपर कुछ इस तरह से क्वालिटी देखने को मिल रहा है, काफ़ी बढ़िया है एंड स्पेशली इस तरह से आप जो है फोटो क्लिक कर सकते हो, आपको बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलेगा। इस फोटो में भी आप देख सकते हो हमने यहाँ पर जो क्लाउडी वेदर में इस फोटो क्लिक किया, आपको कैसा लगा फोटो क्वालिटी जरूर से कमेंट करके बताना एंड ये जो फोटो है ये भी देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है। तो इस तरह से आप जो इस जीकेएम के साथ जो है काफ़ी बढ़िया बढ़िया सोशल मीडिया रेडी फोटो क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर इस फोटो में देख सकते हो यहाँ पर जो हमने रेनी वेदर में इस फोटो क्लिक किया है, क्लाउडी वेदर में भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर फोटो क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। डेफिनेटली आप जो है यहाँ पर सोशल मीडिया रेडी फोटो क्लिक कर सकते हो। इस जीकेएम के साथ जो है यहाँ पर लाइका सिनेमेटिक इफेक्ट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, उसके साथ आपको बढ़िया क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको फोटो सैंपल कैसा लगा आप जरूर से कमेंट करके बोल सकते हैं। फोटो के ऊपर नॉइस उसे रिड्यूस किया गया है ना, ऑलमोस्ट सभी फोटोज के ऊपर जो है वाइब्रेंट कलर देखने को मिल जाएगा। इस फोटो को हमने यहाँ पर जो लो लाइट में क्लिक किया है, देख सकते हो पर लो लाइट में फोटो को क्लिक करने के बाद भी कितना बढ़िया फोटो क्वालिटी देखने को मिलता है। डायनेमिक रेंज काफी बढ़िया है, यहाँ पर ऑटो वाइट बैलेंस का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐड किया गया है। ऑटो वाइट बैलेंस के साथ जो है पर एक्यूरेट कलर देखने को मिलेगा, नेचुरल कलर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एंड फोटो के ऊपर जो है नॉइज जो है काफी रिड्यूस किया गया है, काफी कम नॉइज देखने को मिल जाएगा, प्लस डिटेल्स काफी बढ़िया है। एंड डेफिनेटली आप इस गूगल कैमरा को एज ए डेली ड्राइवर की तरह यूज कर सकते हो, ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन यहाँ पर काम कर जाएगा, सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम कर जाएगा। ओवरऑल यहाँ पर फोटो क्वालिटी जो है काफी बढ़िया है, परफेक्ट गूगल कैमरा का जो बिल्ड है देखने को मिलता है एंड देख सकते हो इस फोटो के ऊपर भी जो कलर बैलेंस है काफी बढ़िया है एंड यहाँ पर जो लाइट बैलेंस है वो भी काफी बढ़िया है, प्लस को भी ग्रीन टिंट का जो इश्यू है हमने यहाँ पर फेस नहीं किया है। पर लो लाइट फोटोग्राफी के लिए, एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए भी आप इस गूगल कैमरा को यूज कर सकते हो, बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलता है, एक्सलेंट कलर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, प्लस EIS OIS का जो ऑप्शन है वीडियो स्टेबलाइजेशन के साथ काम कर जाएगा। इवन फोटो के साथ भी आप जो है OIS को यूज कर सकते हो, बेटर लो लाइट फोटोग्राफी कर सकते हो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड एंड सेल्फी के साथ भी ये जो जीकेएम का जो बिल्ड काम करता है। बाकी आपको फोटो सैंपल कैसा लगा आप जरूर से कमेंट करके बताना। इस फोटो में आप देख सकते हो हमने यहाँ पर जो क्लाउडी वेदर में इस फोटो क्लिक किया है, यहाँ पर HDR मोड काफी बढ़िया तरह से काम कर रहा है, प्लस यहाँ पर जो लाइट बैलेंस है काफी बढ़िया है, ओवरऑल फोटो क्वालिटी जो यहाँ पर काफी बढ़िया है। यहाँ पर देख सकते हो क्लाउडी वेदर में आप कॉन्ट्रास्टी फोटो क्लिक कर सकते हो। इस फोटो में आप देख सकते हो काफी बढ़िया सैचुरेशन एंड कॉन्ट्रास्ट के ऊपर जो काफी बढ़िया बैलेंस देखने को मिलेगा जिस हमने नोटिस किया है। ओवरऑल फोटो क्वालिटी काफी बढ़िया है, कॉन्ट्रास्टी फोटो को क्लिक कर सकते हो। हमने इस तरह से अलग अलग जो है फोटोज को यहाँ पर क्लिक किया है इस जीकेएम के साथ, कुछ इस तरह से जो है क्वालिटी देखने को मिल जाएगा एंड इस फोटो में देख सकते हो यहाँ पर जो
लाइट बैलेंस है, HDR मोड है, HDR एनहांस मोड है, काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर आईफोन जैसा फोटो को क्लिक कर सकते हो। इस फोटो में देख सकते हो हमने ऊपर से अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ इस फोटो को क्लिक किया है। यहाँ पर लाइट बैलेंस, कलर, सैचुरेशन सब आप देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। तो आपको फोटो सैंपल कैसा लगा आप जरूर से कमेंट करके बताना। नाउ अभी फिलहाल बात कर लेते किस तरह से जीकैम के साथ जो है आप क्लाउडी वेदर में और रेनी वेदर में फोटो को क्लिक कर सकते हो। सबसे पहले कुछ कुछ चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले जो यहाँ पर कुछ कुछ फोटो है उसे क्लिक करने के बाद आप जो है बाद में एडिट कर सकते हो। एडिट करके आप जो है और भी ज़्यादा बढ़िया एंड एक्सलेंट फोटो को जो है यहाँ पर क्रिएट कर पाओगे। सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट जो है आपको ध्यान में रखना होगा, कॉन्ट्रास्ट किस तरह से होगा। तो आप चाहो तो बाद में फोटो को एडिट करके कॉन्ट्रास्ट को ऐड कर सकते हो। एंड लाइट्स की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर जो लाइट्स है उसमें भी ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर रेनी वेदर में और क्लाउडी डे में फोटो क्लिक करने से पहले जो आपको लाइट में ध्यान में रखना होगा। अगर आप यहाँ पर रेनी वेदर में जो है रात को फोटो को क्लिक करोगे तो आपको बढ़िया क्वालिटी देखने को मिल सकता है। आपको अगर ज़्यादा लाइट्स होगा तो बढ़िया देखने को मिलेगा। प्लस डेफिनेटली आप जो है ट्राईपॉड यूज़ कर सकते हो। ट्राईपॉड यूज़ करने से आपको एक बार जो है स्टेबल शॉट्स देखने को मिलेगा। तो आप जो है डेफिनेटली स्पेशली लो लाइट में और रात को अगर आप फोटो क्लिक करना चाहते हो, लाइट का जो फोटो क्लिक करना चाहते हो, आप डेफिनेटली जो है ट्राईपॉड को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग ऑप्शंस को आप एनेबल कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग्स में जाना होगा। तो यहाँ पर एडवांस तो स्टैंडर्ड सेटिंग्स में नहीं, आपको यहाँ पर जो एडवांस सेटिंग्स में जाके ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को एनेबल कर देना होगा। तो यहाँ पर एनेबल किपलर मोड का जो ऑप्शन है इसे एनेबल कर देना होगा। तो यहाँ पर इसके साथ जो है पर एस्ट्रो फोटोग्राफी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है इस ऑप्शन के साथ आपको यहाँ पर एस्ट्रो फोटोग्राफी में जो है यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो है नाइट साइड मोड के ऊपर इस तरह से आप जो है लाइट पेंटिंग मोड है, एस्ट्रो मोड है, इस सभी ऑप्शन को एनेबल करके रेनी वेदर में यहाँ पर एस्ट्रो टाइम लैप्स फोटो को क्लिक कर सकते हो, एस्ट्रो फोटो को क्लिक कर पाओगे। एंड नाइट फोटोग्राफी को करने के लिए ये जो जीकैम का जो बिल्ड है काफ़ी बढ़िया है। प्लस यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग टिप्स है, यहाँ पर जो शैडो है उससे आपको एडजस्ट करना होगा। तो सिंपली यहाँ पर इस तरह से टैप करके ये जो स्लाइडर है, इस स्लाइडर के साथ जो है आप शैडो को जो है इस तरह से रिड्यूस कर सकते हो एंड ब्राइटनेस के ऊपर इम्प्रूव भी कर सकते हो। तो यहाँ पर शैडो एंड ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के लिए इस ऑप्शन को ऐड किया गया है। प्लस जो ऑटो फोकस है उसे लॉक करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐड किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ब्राइटनेस एंड शेडो को एडजस्ट करना होगा फोटो क्लिक करने के दौरान। प्लस यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन है, जो वाटर रिफ्लेक्शन है, उसको काम में लेके भी आप जो है बढ़िया बढ़िया फोटो क्लिक कर सकते हो। स्पेशली अगर आप रिफ्लेक्शन को काम में लेके नाइट फोटोग्राफी करते हो और यहाँ पर वाटर रिफ्लेक्शन के साथ फोटो क्लिक करोगे तो आपको बढ़िया जो है पर क्वालिटी देखने को मिलेगा फोटो में। एंड यहाँ पर मेनली जो है आपको जो डिटेल्स है उसको उसके साथ जो फोटो को क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो है रेनबो का जो फोटो उसे क्लिक कर सकते हो, जो रिफ्लेक्शन होता है वाटर रिफ्लेक्शन है उसके साथ फोटो को क्लिक कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जो है सिंपली कोई भी ऑब्जेक्ट में फोकस करने के लिए यहाँ पर टैप टू फोकस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। सिंपली यहाँ पर टैप करके फोकस करो, उसके बाद जो है आप यहाँ पर ब्राइटनेस एंड शेडो को एडजस्ट करके यहाँ पर HDR एनहांस मोड के साथ जो फोटो को क्लिक करोगे आपको बेटर डिटेल्स देखने को मिलेगा, बेटर क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप रेनी वेदर में यहाँ पर फोटो के साथ रेनी वेदर में अगर आप फोटो क्लिक कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो डिवाइस है उसे आप जो है यहाँ पर कवर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका जो डिवाइस है अगर उसमें जो है बारिश चला जाता है तो आपको इश्यू देने को मिल सकता है, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। एंड बेसिकली फोटो को क्लिक करने के दौरान आप जो है ट्राईपॉड यूज़ करना, ट्राईपॉड के साथ साथ जो है HDR एनहांस मोड को यूज़ करना, आपको बेटर क्वालिटी देखने को मिलेगा, बेटर डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली फोटो क्लिक होने के बाद जो आपको फोटो को एडिट करना होगा, थोड़ा बहुत एडिट करने से क्या होगा आपको बेटर जो है यहाँ पर क्वालिटी देखने को मिल सकता है, बेटर क्रिएटिव फोटो को क्लिक कर सकते हो। तो आप जो कोई भी जो है जो फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन है उसके साथ जो फोटो को एडिट कर पाओगे वही बढ़िया होगा। प्लस ये सभी जो ऑप्शन है, ये सभी जो टिप्स है, इसे आप जो यूज करके रेनी डे में और जो है क्लाउड वेदर में बढ़िया बढ़िया फोटोज को क्लिक कर सकते हो जीकैम के साथ। एंड आप डेफिनेटली कमेंट करके बताना आपको कौन सा टिप सबसे ज्यादा बढ़िया लगा है। इसके अलावा यहाँ पर
इस गूगल कैमरे के साथ जो कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर लाइका मोड को ऐड किया गया है, लाइका मोड के साथ जो है पर लाइका सिनेमेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, HDR नेट का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद जो इंस्टेंट HDR फोटो क्लिक कर सकते हो, प्रो मोड का ऑप्शन है, LDR मोड का ऑप्शन है। प्रो मोड के साथ क्या होगा, आप जो है यहाँ पर सैचुरेट फोटो क्लिक कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट फोटो क्लिक कर सकते हो। LDR मोड के साथ जो है पर डार्क फोटो देखने को मिलेगा। यहाँ पर अपस्केलिंग फोटो का ऑप्शन है, 64 मेगापिक्सल 108 मेगापिक्सल के साथ फोटो क्लिक कर सकते हो। लिप पैचर का ऑप्शन है, लिप पैचर के साथ लूमा क्रोमा सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट ISO ये सभी का आप जो मैनुअली कंट्रोल कर पाओगे। एंड यहाँ पर मल्टीपल लेंस का ऑप्शन है, अल्ट्रावाइड लेंस, मैक्रो लेंस, जूम लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। इवन फोटो के साथ जो है OIS का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। पर फोकस को जो आप एडजस्ट कर सकते हो, या एपर्चर बटन का ऑप्शन है, ऑटो वाइड बैलेंस, प्रो मोड, मैनुअल मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। तो डेफिनेटली आप इस GCam को ट्राई करके देखो। एंड रिसेंटली हमने गूगल कैमरा 9.0 का जो अपकमिंग फीचर्स उसका वीडियो अपलोड किया है, सिंपली GCam का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये जो GCam का जो वीडियो है एंड्रॉइड 11 से एंड्रॉइड 14 सभी एंड्रॉइड वर्जन के साथ काम कर जाएगा। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।